आज हम लोग रेगुलरली जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने किया, आज भी वही करने जा रहे हैं। वोकैब ऑन देसी कॉन्सेप्ट एंड एरर इन नाउन। तो डियर, एट फर्स्ट वी हैव टू प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स, कॉन्फ्रॉन्ट, बॉन्टी, गैल, पीट, कॉन्फिस्केट, ऑग्री, टेमेरिटी, टेमेरिटी, डिम्पल, डिफाइल, अनोडाइन, अनोडाइन, वंस अगेन, एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, कॉन्फ्रॉन्ट, बॉन्टी, गैल, पीट, कॉन्फिस्केट, ऑग्री, टेमेरिटी, डिम्पल, डिफाई, अनोडाइन। तो डियर, आपको पता है कि अब एक एक वर्ड को तोड़कर देसी कॉन्सेप्ट जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, कॉन्फ्रॉन्ट का अर्थ होता है क्या करना, सामना करना। कॉन्फ्रॉन्ट का अर्थ क्या होता है, सामना करना, फेस करना, है ना। और ये बियर्ड, तो कॉन्फ्रॉन्ट का अर्थ सामना करना कैसे होता है, अपनी देसी भाषा में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं। सी ओ एन को देसी भाषा में क्या बोलेंगे, कॉन, और एफ आर ओ एन टी को देसी भाषा में क्या बोलेंगे, फ्रंट। कॉन्फ्रंट, 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 कॉन्फ्रंट पे जाएगा, कॉन्फ्रंट पे जाएगा जो उन चीज़ों को क्या करेगा, फेस करेगा। जिसमें फेस करने की क्षमता होती है वह क्या होता है, फ्रंट पे जाता है। क्या बोलेंगे उसको, कॉन्फ्रंट करना अर्थात सामना करना। जैसे ताज होटल पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और हमारे एनएसजी कमांडो जा रहे हैं, तो कौन फ्रंट पे जाएगा, सबसे पहले कौन फ्रंट पे जाएगा जो उनका क्या करेगा, कॉन्फ्रंट करेगा। कौन फ्रंट पे जाएगा जो कॉन्फ्रंट करेगा। यदि आप लोग कॉन्फ्रंट सीख गए हैं, प्लीज़ लिखेंगे, कॉन्फ्रंट लिख करके कमेंट करेंगे, कौन फ्रंट पे जाएगा जो उनका क्या करेगा, कॉन्फ्रंट करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर, ऑग्री, ऑग्री का होता है अभ्यास, ऑग्री, ऑग्री, अभ्यास। तो ए यू को और जी ए यू आर वाई, ए यू को क्या बोलेंगे ओ, जी यू आर वाई, जी यू आर वाई को क्या बोलेंगे, गौरी। तो क्या हो गया है, अब उसे ऑग्री हो गया है, क्या कहने का, ओ गोरी, ओ गोरी, ओ गोरी कहने का ऑग्री हो गया है, ओ गोरी, ओ गोरी, अर्थात वह अपने स्वीट हार्ट को क्या बोलता है, ओ गोरी, ओ गोरी, अर्थात उसको यह बात बोलने का क्या हो गया है, ऑग्री हो गया है, ओ गोरी, ओ गोरी, ऑग्री, ओ गोरी बोलने का उसको क्या हो गया है, ऑग्री हो गया है। और ओमेन, ओमेन, जब भी उससे आप पूछिए कि कौन किया, तो क्या बोलता है, ओमेन किया, ओमेन किया, अर्थात ओमेन भी बोलने का उसको क्या हो चुका है, अभ्यास हो चुका है। तो ओमेन या ऑग्री, ओमेन या ऑग्री दोनों क्या है बाबू, साइनो है। ओ गौरी, तो ओ गोरी है ना, वो अपनी प्रेमिका को, स्वीट हार्ट को गोरी बोलता है, ओ गोरी, अर्थात वह इस बात को गोरी बोलने के लिए वह क्या हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है, वो उसको इस चीज़ का अभ्यास हो गया है, ऑग्री हो चुका है, ओ गोरी, ऑग्री, ओ गोरी, ऑग्री। चलिए बाउंटी का अर्थ होता है उपहार, बाउंटी का क्या होता है, उपहार, जेनोरिसिटी, बाउंटी, बी ओ यू एन टी वाई, बाउंटी, बाउंटी, गिफ्ट, गिफ्ट या प्रेजेंट भी होता है इसका, गिफ्ट या प्रेजेंट, ओ गौरी, गिफ्ट या प्रेजेंट। तो डियर कैसे होता है बाउंटी, बी ओ यू एन टी वाई, बी ओ यू एन टी वाई, बाउंटी। अब हम लोगों ने इसके देसी में क्या कहा, बंटी, बंटी, बाउंटी, बंटी, बाउंटी, बंटी।
ठीक है डियर, आप लोग बहुत अच्छा, कृष्ण कुमार, पवन कुमार, नेहा जी सब लोग अच्छे हैं। तो बाउंटी और जेनरोसिटी, पहले बाउंटी सीखो। बंटी का अर्थ होता है क्या, उपहार। अब आपको आपको कोई फीमेल है, रचना, रीना कोई, और उसको माँ उसकी बोल रही है कि बेटी बंटी, बंटी से अलग रहना, गड़बड़ लड़का है, तो क्या बोलता है वो, क्या बोलती है वो रचना या रीना कि बंटी मेरे लाइफ का क्या है, बंटी है, बंटी जो है मेरे लाइफ का बंटी है, गॉड ने उसे मेरे लिए क्या किया है, बंटी को बंटी के रूप में दिया है, बंटी 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 बंटी, अर्थात क्या है वह उसके लाइफ का गिफ्ट है या प्रेजेंट है या जेनरोसिटी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात जब भी कोई माँ किसी लड़की को कहती है कि बंटी से अलग रहो, है ना, रचना की माँ उसको क्या बोल रही है, बंटी से अलग रहो, तो वह क्या बोल रही है कि वह बंटी जो है बंटी है मेरे लाइफ का, बंटी 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 बंटी, ऐसे याद रखेंगे हमेशा। टेमेरिटी का होता है गुस्ताखी या दुस्साहस, टेमेरिटी गुस्ताखी, टेमेरिटी टेमेरिटी गुस्ताखी, टे मे रिटी टेमेरिटी। अब ये क्या कह रहा है, टे मे रिटी, रिटी आपकी गर्लफ्रेंड है ना, रिटी आपकी गर्लफ्रेंड है, और आप क्या कह रहे हैं कि ते मेरी रिटी से बात करने का क्या किया है, टेमेरिटी किया है, टेमेरिटी किया है, अर्थात क्या किया है, दुस्साहस किया है। आप लोग टे मे रोटी भी बोल सकते हैं, टेमेरिटी टेमे रोटी। तो यहाँ आप लोग आपस में क्या बोलते हैं कि ते मेरे रोटी को खाने का टेमेरिटी कैसे किया, ते मेरी रोटी, है ना, ते मेरिटी या रोटी, तो ते मेरी रोटी को खाने का टेमेरिटी किया, टेमेरिटी किया, अर्थात क्या किया, गुस्ताखी किया या दुस्साहस किया, तो ते मे रिटी, ते मेरी रोटी, टेमे रिटी या रिटी, इसको रोटी भी हम बोल सकते हैं कंसेप्ट के लिए कि ते मेरी रोटी को खाने का टेमेरिटी कैसे किए, टेमेरिटी गुस्ताखी या दुस्साहस। अगला वर्ड है डियर गाल, गाल का अर्थ क्या होता है, दुस्साहस। तो टेमेरिटी का साइन हो गया दुस्साहस। अब गाल, गाल का अर्थ सीधे जी ए डबल एल को हम लोग सीधे बोलेंगे क्या, गाल, गाल माने क्या, आपका सॉफ्ट सॉफ्ट जो आपके साइड में है, दोनों साइड फेस पे, तो क्या कह रहा है कि तू मेरे जी ए का गाल छूने का गाल कैसे किया, तो गाल छूने का गाल, गाल करना अर्थात क्या करना, दुस्साहस करना, तो गाल छूने का गाल करना अर्थात क्या करना, दुस्साहस करना। टे मेरी रीटी से कैसे बात करने का, टॉक करने का टेमेरिटी किया, और बात ही नहीं किया, उसका गाल को भी गाल करने का क्या किया, गैल किया अर्थात दुस्साहस किया। अगला वर्ड लीजिए आप लोग डिम्पल, डिम्पल का अर्थ क्या होता है, गाल पे पड़ने वाले गड्ढा, जिसको क्या बोलते हैं, पीट। तो अब पीट को सीखना है, पीट को सीखना है, सीधे इसको हम लोग अपनी भाषा में जोड़ लेंगे पीट। आपने किसी को ऐसे पीट किया कि उसके चेहरे पे क्या हो गया, पीट हो गया, गड्ढा हो गया, तो उसको हम लोग गड्ढा, जैसे आप मुस्कुराते हैं या कुछ बोलते हैं मुस्कुराते समय, यहाँ पे जो पीट पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड पीट या डिम्पल, है ना। तो यहाँ डी आई एम पी एल ई डिम्पल, डिम्पल का भी अर्थ होता है क्या, गाल पे पड़ने वाला गड्ढा। तो डिम्पल को हम लोगों ने सीधे डिम्पल खाना से कनेक्ट कर दिया, डिम्पल खाना से कनेक्ट कर दिया, अर्थात हम लोगों ने देखा होगा कि प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा जब भी मुस्कुराती हैं, कुछ बोलती हैं, ध्यान से देखना फिल्म में, पीट पड़ता है गालों पे,
और यहाँ हमें डिम्पल सीखना है, DIMPLE डिम्पल। तो याद रखना है कि डिम्पल खाना जब भी मुस्कुराती है तो उसके फेस पे क्या दिखता है, डिम्पल। डिम्पल जब मुस्कुराती है तो उसके फेस पे क्या दिखता है, डिम्पल। डिम्पल का अर्थ क्या हो गया, गाल पे पड़ने वाला गड्ढा या पिट। तो डिम्पल और पिट आपका साइनो हो गया। पिट यहाँ भी उसी वर्ड की चर्चा किया गया है, पिट। तो पिट को हम लोगों ने डायरेक्ट अपनी देसी भाषा से कनेक्ट किया, पिट, अर्थात उसको वो ऐसा पीटा कि उसके गाल पे पीट पड़ गया। पीट पड़ गया अर्थात क्या हो गया, गड्ढा पड़ गया। अगला वर्ड आइए डिफाइल, अगला वर्ड लेते हैं डिफाइल, दूषित करना, सली, दूषित करना, सली। ठीक है, बहुत अच्छा। डिफाइल का होता है दूषित करना या सली। तो सली को कैसे याद रखेंगे हम लोग, सली अर्थात क्या याद रखेंगे इसे हम लोग, साली। तो सली, साली, साली से जब बात करोगे तो वह आपके कैरेक्टर को क्या करेगी, सली करेगी। सैली, सली, तो साली से जब बात करोगे तो वह आपके कैरेक्टर को क्या कर देगी, सली कर देगी, सली कर देगी। और डिफाइल का अर्थ होता है दूषित करना, दी, वहीं आपकी देसी भाषा में दी, और FILE फाइल, दी फाइल, दी फाइल, अर्थात दी फाइल और डी फाइल, दी फाइल, डी फाइल। देखेंगे हम लोग बड़े बड़े अधिकारी पे या नेता पे क्या करता है, जो उससे शोषित होता है, नेता से जो कोई महिला शोषित होती है तो वह क्या करती है, उस शोषित वाली फाइल को क्या करती है, दी फाइल, अर्थात वो डी करती है, दे देती है। किसको दे देती है, कोर्ट को दे देती है, अर्थात वह उसको क्या कर रही है, डी फाइल कर रही है, डी फाइल, डी फाइल, डी फाइल, डी फाइल, डी फाइल, डी फाइल। चलिए अगला वर्ड है आपका कॉन्फिस्केट का होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट का होता है जब्त करना, इम्पोर्ट। तो कॉन्फिस्केट जब्त करना, CONFISCATE कॉन्फिस्केट जब्त करना, बहुत आसान है। CON कॉन, FISCATE काटे, तो कॉन्फिस काटे, कॉन्फिस काटे और कॉन्फिस्केट कर लिया, कॉन्फिस काटा, कॉन्फिस्केट कर लिया। देखते हैं आप लोग, कोई कार्यक्रम होने वाला होता है, कोई प्रोग्राम होने वाला होता है तो उस एरिया में लोग जा करके फीस काटते हैं एक दूसरे से चंदा के नाम पर, और आप क्या कहते हैं कि कौन फीस काटा और सब रुपया को क्या कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। तो कौन फीस काट, कॉन्फिस्केट, कौन फीस काट करके क्या कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, उन सभी रुपयों को जब्त कर लिया। अगला वर्ड है अनोडाइन, अनोडाइन का होता है पीड़ा नाशक, पेन किलर। आपको जब जब पेन होता है तो आप क्या करते हैं, पेन को किल करने वाली दवाई लेते हैं, पेन किलर। तो आइए हम लोग सीखते हैं एनोडाइन, एनोडाइन। अब देखो, रवि को अनु से प्रेम हो गया है, रवि को किससे, अनु से प्रेम हो गया है, और रवि की माँ कह रही है कि बेटा अनु के पास मत जाना, वो क्या है, डायन है, अनु डायन है। क्या कहता है रवि की माँ, ओ ना डायन नहीं, क्या है, अनु डायन है, अनु जो है वह डायन नहीं है, वह मेरे लाइफ में कैसी है, तो अनु डायन है, अनु डायन है, अर्थात मेरे लाइफ के जितने भी कष्ट है उसको नाश करने वाली है, अर्थात पीड़ा नाशक है। तो अनु डायन, ओ ना माँ डायन नहीं है, वह अनु डायन है, वह डायन नहीं है, ओ ना डायन है, अनु डायन है, पीड़ा नाशक है। ठीक है, तो ये 10 वर्ड हम लोगों ने फटाफट कर लिया 10 मिनट में, और आप लोग यदि इसे भूल जाएंगे तो ज़रूर लिख के बताएंगे कि सर इसको भूलना बहुत आसान है।